हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आज मैं आप लोग के लिए ब्रिक्स बिट्स एंड बोन्स चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आ गई हूँ। आई होप आप लोग के लिए वीडियो यूजफुल होगा। अगर आप एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं और आपको कुछ क्वेश्चंस जानने हैं, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं ऑफकोर्स, और आपको सारे क्वेश्चंस मेरे चैनल पर मिल जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। वन वर्ड भी मिलेंगे, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हुआ जॉन मार्शल, हाउ डिड ही मार्क अ चेंज इन द इंडिया आर्कियोलॉजी। जॉन मार्शल कौन थे, उन्होंने भारतीय पुरातत्व में परिवर्तन को कैसे चिन्हित किया। सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज आर ई एम व्हीलर, मेंशन हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी। आर ई एम व्हीलर कौन थे, पुरातत्व के क्षेत्र में उनके योगदान का उल्लेख करें। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको लास्ट के टॉपिक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आपने अगर मेरे चैनल पर पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स मुंह जबानी याद होंगे। थर्ड है, हाउ एयर हैपन सील्स एंड सीलिंग्स यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। व्हाट डिड द सीलिंग्स कन्वे। लंबी दूरी के संचार को सुगम बनाने के लिए हड़प्पा की मुहरों का उपयोग कैसे किया जाता था, मुहरों से क्या संदेश मिलता था, इसका भी आंसर आप लोग को जरूर पता होगा। अगर नहीं पता है तो मेरे चैनल पर के नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आंसर मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। फोर्थ क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू चेंजेस दैट वे ऑब्जर्व्ड आफ्टर 1900 BCE इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता में 1900 ईसा पूर्व के बाद देखे गए किन्हीं दो परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से जरूर इसको आप लोग इसका आंसर खोजिएगा, मतलब देखिएगा मेरे चैनल पे या कहीं से भी याद कर लीजिएगा। व्हाई डिड आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस फाइंड हड़प्पन स्क्रिप्ट एनिग्मेटिक, एक्सप्लेन रीजंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने हड़प्पा लिपि को रहस्यमय क्यों पाया, उसके कारण स्पष्ट करें। व्हाट वाज ग्रेट बात, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, ग्रेट बात क्या था। सेवेंथ है, हाउ कैन यू से दैट हड़प्पन पीपल बिलीव इन आफ्टर लाइफ। आप कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग परवर्ती जीवन में विश्वास रखते थे, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा बुक में, नहीं तो मेरे चैनल पे अगर आपने वीडियोज देखेंगे उसमें भी, और नहीं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। What causes were responsible for the decline of Harappan civilization? हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए कौन से कारण जिम्मेदार थे? ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर है, ये आपको पता होना ही चाहिए। नहीं, ये नहीं पता तो आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पता। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, और भी ऐसे मतलब मैं क्वेश्चन लाती रहूँगी पार्ट वाइज वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।